बैक मार रहा है। कल इंदौर में 259 और 222 भोपाल में आए। महाराष्ट्र से सटे हुए जिले बुरहानपुर, खंडवा वगैरह में भी ये प्रकरण बढ़ रहे हैं तेजी से। हमने कल पुनः गृह विभाग ने गाइडलाइन संशोधित करके जारी की है और सभी जिला कलेक्टरों को, एसपीओ को निर्देशित किया है कि सख्ती से इसका पालन कराएं, मास्क अनिवार्य कर दें। महाराष्ट्र से जो आने वाले लोग हैं, बिना स्क्रीनिंग टेस्ट के उन्हें हम बॉर्डर पे हमने व्यवस्था की है कि नहीं आने देंगे। नए विधायक आज सवाल पूछे, एक नया प्रयोग माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने किया है। मैं मानता हूं कि ये एक अच्छी शुरुआत है और निश्चित रूप से नए लोगों को बोलने का अवसर ज्यादा मिलेगा। अब ये खतरनाक शब्द का प्रयोग करके किसको डराना चाहती हैं दीदी? घायल बाघिन क्यों हो रही हैं वो? हमारे तो 134 कार्यकर्ता पहले ही शहीद कर दिए, क्या आदमखोर होने की तरफ है क्या ये इशारा? कोरोना को लेकर सर क्या प्रेडिक्शन? अरे आपने तकलीफ करी, बुलवा लिया करो आप। विजय सिंह जी ने टिप्पणी की है वैक्सीन देने को लेकर, कोरोना निरोधक गॉड से तुलना कर। दरअसल दिग्विजय सिंह जी क्या है कि मन में गॉड से और मुंह में गांधी रहते हैं। अपने बड़े भाई कमलनाथ जी से अगर पूछ लेते गॉड से के बारे में तो वो ज्यादा अच्छा बताते। ये जो इस तरह के ट्वीट है जिस पर आप लोग ध्यान देते हैं वो जान पूछ के करते हैं। मोदी जी ने वैक्सीन बना के भारत को विश्वगुरु की तरफ बढ़ाया। ये वैक्सीन अकेले पाकिस्तान को नहीं दे रहे, 65 देशों को वैक्सीन जा रही है। सबका साथ सबका विकास। दिग्विजय सिंह जी तुष्टीकरण की राजनीति करके, इस तरह की बातें करके मुसलमानों में भ्रम पैदा करना चाहते हैं। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की विरोधी नहीं है, आतंकवादी मानसिकता की विरोधी है। दिग्विजय सिंह जैसे लोग जो इस मानसिकता के हैं और इस मानसिकता के हर वर्ग में हैं, टुकड़े टुकड़े वाले, उन सबका भारतीय जनता पार्टी विरोध करे। आज वैश्विक छवि लेके मोदी जी बढ़ रहे हैं, यही पीड़ा है, यही प्रसव वेदना उनकी है। सर आपने वैक्सीन की बात कही, इंटरनेशनल वैक्सीन डिप्लोमेसी को लेकर विवियन रिचर्ड ने भी वहां पर वैक्सीन गई तो तारीफ की। विश्व का ऐसा कोई देश नहीं है जो आज मोदी जी के कुशल नेतृत्व की तारीफ नहीं कर रहा हो। अब दिक्कत तो एक्चुअल में इन्हीं लोगों को हो रही है जो कांग्रेस को रसातल में ले जा रहे हैं, अभी भी नहीं सुधर रहे, थोड़ा इंतजार करें। कल ममता जी व्हीलचेयर पे थी, शाम तक सर ये कह रही घायल से नहीं। दीदी का पांव टूटा था या प्लास्टर झूठा था समझ नहीं आया। और दीदी वो डॉक्टर जो 24 घंटे में हड्डी जोड़ देता है, प्लास्टर को काट के क्रेप बैंडेज पे ले आता है, उस डॉक्टर की देश को बड़ी जरूरत है। बहुत लोगों के हाथ पैर टूट रहे हैं, उसका मार्गदर्शन तो आप टीवी के माध्यम से बाकी डॉक्टरों का करवाओ। ये पॉलिटिकल पाखंड है और कुछ नहीं है। पश्चिम बंगाल की जनता जानती है, मैं आज पश्चिम बंगाल से आ रहा हूं, सब लोगों को समझ में आ गया है कि ये राजनीतिक पाखंड है वो जो कर रही है, जनता अच्छी तरह से समझ गई। सर ये भी बोल रही है।